हेलो कैप्रिकॉर्न वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है ट्वेल्थ ऑफ जनवरी से लेके एटीन ऑफ जनवरी तक की तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में इस वीक में मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न वेच एस ऑफ एडम्स फाइव ऑफ वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ चाल ओके लगता है जैसे किंग अब किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूरी ही बना के रखना चाहते हैं आप उन्हें ऐसा फील करवा रहे हैं किंग उनसे दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है और वो आपके लिए हार्मफुल है या वो आपके लिए बहुत नेगेटिव है बिकॉज़ ए ऑफ एटम्स के साथ हो सकता है आप दोनों के बीच बिल्कुल भी बातें ही ना हो रही हों एंड uh, ये साइलेंस इस पर्सन को आप थोड़ा परेशान कर रहा है बिकॉज शुरुआत में ये पर्सन आपके इस बिहेवियर को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था उन्हें लग रहा था कि मे बी आप हर्ट हैं मगर आज नहीं तो कल आप इस बात को भूल ही जाएंगे उन्हें माफ कर ही देंगे या फिर आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर लेंगे और चीजें ठीक हो ही जाएंगी आप उनसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते उन्हें इस प्यार पे बड़ा भरोसा था क्योंकि आप भरोसे के लायक हैं बट एट द सेम टाइम हर चीज की एक लिमिट होती है और इस पर्सन को पता ही नहीं चला कि कब वो लिमिट वो क्रॉस कर गए ओके okay? इस पर्सन को अब जाके ये समझ में आ रहा है कि एप्रिकॉन कि वो आपके साइलेंस को बिल्कुल भी इजीली नहीं ले सकते बिकॉज आपके साइलेंस का मतलब कुछ है अगर आप इतने दिन उनसे दूर हैं या इतने दिनों तक आपने उनसे बात नहीं की है तो जरूर उन्होंने आपको इस बार बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है और अब तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं और आप खुश हैं अपनी लाइफ में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो बन गए थे एंड उनके जाने के बाद आप अपने कंफर्ट जोन में हैं आप हैप्पी हैं और आपको लग रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है जितना भी है वो काफी है खुश रहने के लिए सो so, उन्हें लग रहा है कि उनके दूर जाने से आपने एक हेल्दी माइंड डेवलप किया है और ये चीज उस पर्सन को शर्मिंदा कर रही है आप ओके okay, इस पर्सन को अब ये सोच के शर्म आ रही है कि आखिर वो किस हद तक आपको हर्ट कर रहे थे कितना बड़ा इशू बन गए थे आपके जीवन में कि उनके रहने से आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और उनके जाने से आप बेहतर फील कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है खेप्रिकॉर्न तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन शायद आपसे कुछ ज्यादा ही चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था इस पर्सन को लग रहा था कि आप बिना कोई सवाल जवाब किए उन्हें जो कुछ भी है ऑफर करते जाएंगे नाउ अगर मैं क्लियरली बोलूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से इन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी नॉट ओनली लव अटेंशन और अफेक्शन uh, की बट यहाँ पे शायद उस पर्सन को आपके पैसों में भी दिलचस्पी थी या और भी चीजें जो आप उन्हें दे सकते हैं वैसे यह हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा ये केस टू केस डिपेंड करता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है हमेशा ये बात ध्यान में रखें सो so, जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ही अप्लाई करें अपनी सिचुएशन में सो so, इस पर्सन को ये उम्मीद थी कि शायद आप बिना सवाल जवाब किए उन्हें सब कुछ देते जाएंगे इनफैक्ट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट हैं अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी जिम्मेदारी उठा सकती है और वो किसी रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे किसी की ज़रूरत है तो फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंडिपेंडेंट है और स्मार्ट भी और अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि है प्रिकॉन कि आपने अपने मन से फैसले लिए और ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग आपसे कुछ कह नहीं रहा था या आप सच्चाई नहीं देख सकते थे आप उन सच्चाई को उन सच्चाइयों को अच्छी तरीके से देख रहे थे जो हमेशा से थी मगर फिर भी आपने अपने मन को फॉलो किया जैसा कि हर कोई करता है प्यार में बट अब अगर आपको जरूरत हो तो आप अपने माइंड को यूज कर सकते हैं आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं आप किसी को भी उसकी जगह दिखा सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद को हील कर सकते हैं आप अपने सेल्फ वर्थ को दोबारा पहचान सकते हैं सो फाइव ऑफ वर्ड्स के साथ लगता है जैसे आजकल ये पर्सन दूसरों से एडवाइस ले रहा है कि वो कैसे अपने इस रिलेशनशिप को संभालें कैसे खैरप्रिकोण को रोके कैसे चीजों को बेहतर बनाए बिकॉज ये पर्सन कैसे भी करके अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है आपके पीछे काफी डिस्कशन चल रहा है कि कैप्रिकौन टाइप की पर्सनालिटी को क्या पसंद आएगा कैसे हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को दूसरों से एडवाइसेस ली जा रही है कुछ इंटरनेट पे भी टिप्स पढ़ी जा रही है कुछ फैमिली मेम्बर्स से भी चीजें पूछी जा रही हैं कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए और कैसे दोबारा से आपका भरोसा जीते सो प्रिपेड रहिए ये पर्सन कुछ दिन में अपनी ये रिसर्च पूरी करके अपनी ये पढ़ाई पूरी करके कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ आप तक पहुंचेगा बिकॉज नाइट ऑफ चैलेंस के साथ ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है ये कप ये पर्सन ऑफर करना चाहता है आपको फ्रेंडशिप बिकॉज उन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा आप दोनों के लिए ही एंड uh, उन्हें लगता है कि इससे अच्छी सिचुएशन या मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा उन्हें लग रहा है कि आप वो लिमिट तक पहुंच गए हैं अगर अभी उन्होंने इस एथेफ एस ऑफ एथेम्स को नहीं खत्म किया इस साइलेंस को नहीं ख़त्म किया तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है तो उन्हें लगता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम होगा जब वो वापस आपकी लाइफ में आए ओके हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या एयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज हैं आपके लिए खेप्रिकॉन एट ऑफ पेंटिकल्स द सन द वर्ल्ड ट्री सेवन ऑफ चैलेसेस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो हमारे पास है एड ऑफ पेंटिकल्स, एड ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इस वक्त आपका दूसरी चीजों पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओके okay? एंड ये पर्सन शायद देख भी रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ पर फोकस हैं मे बी अपने करियर पर या दूसरी चीजें आपके लिए ज्यादा मायने रखती है इस पॉइंट पे द सन के साथ कह रहा है कि फिलहाल आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है अपने ड्रीम्स को अपने आइडियाज को फॉलो कीजिए और जहां तक इस पर्सन की बात है ये पर्सन आपको फॉलो करेगा ओके okay? आज नहीं तो कल ये पर्सन आप तक पहुंचने ही वाला है इनफैक्ट द वर्ल्ड ट्री के साथ लगता है जैसे कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है फाइनली चीजें मोशन में आ रही हैं और सेवन ऑफ चालस के साथ जो भी भ्रम थे अब तक वो सब क्लियर हो जाएंगे जो भी चीज़ें परफेक्ट लग रही थी सरफेस पे उनका ट्रुथ आपके सामने आएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं और जहां तक इस पर्सन का सवाल है तो ये पर्सन नाइन ऑफ पेंटिकल्स का सपना देख रहा है इन्हें लगता है कि अभी भी आपके साथ ये फ्यूचर पॉसिबल है ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर आपके जैसा इंडिपेंडेंट पर्सन उन्हें मिल जाए तो उन्हें किसी बात की परवाह नहीं करनी होगी उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी होगी एंड um, सब कुछ आप संभाल ही लेंगे हमारे पास इतने सारे पेंटिकल्स हैं आपके रीडिंग में तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइंस से डील कर रहे ओके okay? चलिए देखते हैं कि आपके लिए और मैसेज क्या है लीप यू गो फर्स्ट द यूनिवर्स विल कैच यू तो ये कार्ड आपसे कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है अपने मन की करिए जो भी आपका मन चाहे उसकी तरफ मुड़ना इस वक्त जरूरी है बिकॉज uh, जिन चीजों से आप डर रहे हैं कि आगे क्या होगा या कैसे अनफोल्ड होंगी चारो आपसे ये कहना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप सेफ हैं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो यूनिवर्स आपको संभालेगा यूनिवर्स आपको कैच करेगा अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आप गिर रहे हैं या आपका कंट्रोल खो रहा है ओके okay? तो यह है रीडिंग इस वीक um, की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो बाय